मुहर्रम पर्व के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन अल्लाह को किया याद। सदियों से चली आ रही सिलसिला को पटना फतुहा के रायपुरा पठान टोली में आज भी लोग कर रहे हैं याद और आगे भी चलता रहेगा ऐतिहासिक सिलसिला। सनोवा खान के साथ नसीम रब्बानी की रिपोर्ट। पटना फतुहा के रायपुरा पठान टोली मोहल्ले में सदियों से चली आ रही सिलसिला को पटना फतुहा के रायपुरा पठान टोली में आज भी लोग कर रहे हैं याद और आगे भी चलता रहेगा ऐतिहासिक सिलसिला। यह पर्व बुराई पर सच्चाई की जीत का पर्व है। हजरत इमाम हुसैन अलैह सलाम जो पैगंबर साहब के नाती नवासे ने इस्लाम को बचाए रखने के लिए अपने खानदान के 72 लोगों को जंग में जानिसार कर दिया, लेकिन यजीद बादशाह के हाथ में अपना हाथ नहीं दिया। उन्हीं की याद में ये पर्व मनाया गया। यह त्यौहार याद हुसैन है। इस त्यौहार में 9 दिन लोग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अपने याद हुसैन में मकबूल रहे और इबादत में लगे रहे। इस पर्व पर लोग अल्लाह के सामने माफी तलब की। मुहर्रम जैसे गमगीन पर्व के अवसर पर शिया और सुन्नी सामुदायिक के लोग सिपल ताजिया स्थापित करते हैं और हजरत हुसैन को याद करते हैं। नारे तकबीर अल्लाह हो अकबर के नारे लगाए गए और फतेह की गई। जल्दी आओ। मुहर्रम 10 तारीख को इनकी शहादत हुआ था। हम लोग उनके शहादत इमाम हसन हुसैन का यादगार में उनके मना रहे हैं हम लोग। ये 90-100 साल से ऊपर हो रहा है, हमारे बाप दादा के ज़माने से बनते आ रहा है, अब तक बन रहा है। बीच में लॉकडाउन लगा था, मैंने सरकार का पालन किया, 2 साल हमने नहीं बनाया, फातिहा दरूद हुआ और इसके आगे हम लोग नहीं गए कहीं। अबर जब ये ख़त्म हुआ है लॉकडाउन तो अब हम लोग थाना जहाँ बाज़ार जाएंगे, हाँ वो थाना जहाँ आगे जारी रहता है। नाम आपका क्या है? मोहम्मद रईस, सकोहाबाद पठान टोली। क्या नाम आपका? मोहम्मद अरमान। ये हमारे दादा परदादा के टाइम से बनते हुए आ रहे हैं और बनते रहेंगे।